हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे अगली वाली क्लास में हमने जो चंबल और चंबल की प्रमुख विशेषता पढ़ी थी, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वह है संबल और संबल की सहायक नदियाँ। दोस्तों ध्यान रखना, मैं इसमें से छोटी चीज़ को उठाने जा रहा हूँ और हर एक प्रत्येक बिंदु आपके किसी भी लेवल पर किसी भी प्रकार के कंपटीशन में आपको किधर भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आओ दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। मैं एक बार वापस इसकी विधिवत शुरुआत करता हूँ जिस प्रकार की मैंने उस दिन की थी कि देखना दोस्तों ये कहाँ से निकलती है। ये विंध्याचल की पहाड़ियों से, विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ये इसका उद्गम हो गया दोस्तों। ये और कौन से जिले से? इंदौर जिले से। इंदौर से पहले बोला था भिंड, और भिंड के बाद में मुरैना, और मुरैना के बाद में भिंड, मुरैना और मंदसौर, मंदसौर के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश होती है। तो आज हम इसका राजस्थान में प्रवेश पढ़ेंगे। देखना दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल मंदसौर से दक्षिण में लाकर अब मैं इसको पूर्व की ओर ले जा रहा हूँ। मंदसौर के एमपी के अंदर, इसके अंदर तीन नदियाँ मिलती है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ आपको। सिवान, यहाँ लिख देता हूँ मैं सिवान, एमपी के अंदर मिलने वाली सिवान, सेतम और शिप्रा। ये वही शिप्रा है दोस्तों जिसके किनारे पर आपका उज्जैन है, और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भी है। शिप्रा गांव से ही निकलती है। इसके बाद यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। और राजस्थान में जो प्रवेश है वही चित्तौड़गढ़ के चौरासी यहाँ दूर है, भैंसरोड़गढ़ तहसील है दोस्तों यहाँ से। और इसी जगह पर मैंने बताया था आपको कि चूलिया प्रपात बनता है। इस पर कौन सा बनता है? चूलिया प्रपात बनता है। और एमपी में जो इस पर बनता है दोस्तों, वह बनता है मघार प्रपात। ओके दोस्तों, एमपी में ये 325 किलोमीटर बहने के बाद राजस्थान के अंदर प्रदेश, और राजस्थान में जो बहती है ये राजस्थान के अंदरूनी जिलों में बहती है, जैसे चित्तौड़ है, कोटा है, बूंदी है, और सवाई माधोपुर का आधा भाग, मतलब 135 किलोमीटर ये अंदर बहती है। और अंदर बहने के बाद फिर सवाई माधोपुर से बाहर एमपी की तरफ निकल जाती है, फिर एमपी और राजस्थान के बीच में सीमा बनाती है। और सीमा बनाते हुए दोस्तों ये यहाँ पर यमुना में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? यमुना, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर यमुना, यूपी का यहाँ पर इटावा जिला है, और इसकी मुरादगंज तहसील है, और इसके चेचक नगर में ये इसमें गिर जाती है। राजस्थान के छह जिलों में से गिरती है। और इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि अब राजस्थान में इसमें आने वाली, देखना चंबल और सहायक नदियाँ पड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सहायक नदियों में से राजस्थान में सबसे पहले इस तरफ से चित्तौड़ से ही उसमें एक नदी मिलेगी दोस्तों, जिसका नाम है, मैं बता देता हूँ आपको, ये बामनी। क्या नाम है दोस्तों? बामनी। ओके, ये बामनी नदी है चित्तौड़ में। ये चित्तौड़ के बैंगू तहसील से निकलती है, और फिर ये भैंसरोड़गढ़ में आके, ये कहाँ पर आके? यहाँ पर जो भैंसरोड़गढ़ में आकर ये चंबल में मिल जाती है। ये दोस्तों देखना, भैंसरोड़गढ़ एक दुर्ग है, ये एक जल दुर्ग है। कैसा है? ये एक जल दुर्ग है। तो जल दुर्ग किसके किनारे पर है? बामनी और चंबल के बीच में। और यहाँ पर ये भैंसरोड़गढ़ का अभ्यारण्य भी बनाती है, जो कि एक आयताकार अभ्यारण्य है दोस्तों, ध्यान रखना। चंबल और इसके बीच में एक अभ्यारण्य बनता है जो आयताकार अभ्यारण्य है, और ये ध्यान रखना। ओके, जल दुर्ग इसको ओदक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, और भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद देखना दोस्तों, यहाँ पर एक भैंसरोड़गढ़ से ही एक और नदी आती है, भैंसरोड़गढ़ से, ठीक है ना, भैंसरोड़गढ़ से। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, भैंसरोड़गढ़ से ही एक और नदी आती है भैंसरोड़। इसका उद्गम कौन सा है? भैंसरोड़गढ़।
चित्तूर, और इस नदी का नाम है ईज। और ये भी दोस्तों किस में मिल जाती है, चित्तूर के अंदर ही किस में मिल जाती है, ये मिल जाती है दोस्तों इसमें चंबल में मिल जाती है। ओके, इसके बाद देखना दोस्तों बिजोलिया का पठार, ये क्या है, बिजोलिया का पठार है, या इसको अपन ऊपरमाल का पठार भी कहते हैं, ऊपरमाल का पठार भी कहते हैं। यहां से दोस्तों एक नदी आती है बिजोलिया के पठार से, जिसका नाम है दोस्तों मेज नदी। क्या नाम है दोस्तों, मेज नदी, मेज नदी। इसका उद्गम स्थल कहां से हो रहा है, बिजोलिया का पठार, और ये बिजोलिया का पठार कहां पर है दोस्तों, भीलवाड़ा में। और यहां से एक नदी आ रही है जिसका नाम है मेज दोस्तों। इसी ऊपरमाल के पठार से एक नदी और आ रही है दोस्तों, जिसका नाम है मांगली। क्या दोस्तों नाम है, मांगली नदी। कहां से आ रही है, बिजोलिया के पठार से। अब देखना दोस्तों चित्तौड़ के बाद में नीचे कोटा रह जाता, ऊपर बूंदी रह जाता, यहां से कौन सा शुरू हो जाता, बूंदी वाला इलाका। नीचे कौन सा रह जाता दोस्तों, कोटा रह जाता। ठीक है दोस्तों, ये नदी अपनी, ये नदी अपनी चंबल नदी, कौन सी दोस्तों, चंबल नदी। अब इसके जो बाएं तरफ से आने वाली नदियों को मैं ले रहा हूं, मांगली, ये भी कहां से आ रही है, बिजोलिया के पठार से भी आ रही है, बिजोलिया के पठार। बिजोलिया में भीलवाड़ा में बहने के बाद दोस्तों ये नदी कहां पर आती है, बूंदी में आती है। और बूंदी के अंदर यहां पर ये जो स्थान है इसका नाम है दोस्तों सांगवाड़ा। बूंदी का ये सांगवाड़ा में आके ये किस में गिर जाएगी दोस्तों, बाइंस खेरा, खेरा बाइंस खेरा में आके ये किस में गिर जाती है दोस्तों, ये मेज में गिर जाती है। ओके, और मेज जो नदी है बूंदी के सीनपुर में, बूंदी के सीनपुर में ये कहाँ पर गिर जाती है, चंबल में गिर जाती है। और ये मांगली नदी है, इस पर राजस्थान का सबसे जो राजस्थान का मांगली नदी, इसके जो बूंदी में आकर, ये बूंदी में आकर इसका जो पानी है ये दोस्तों नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। यहाँ पर एक प्रपात बनता है जिसका नाम भी भीमतल प्रपात है, भीमतल प्रपात है। और ये भीमतल प्रपात कहाँ बनता है दोस्तों, बूंदी में बनता है। ओके, ये ध्यान रखना। और इसी मांगली नदी के अंदर ही एक बूंदी से आने वाली नदी आती, तो ये भी बिजोलिया के पठार से ही है दोस्तों, कहाँ से आती है, बिजोलिया के पठार से ही आती है। और इसका नाम है घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़, याद रखना। ये कौन सी नदी दोस्तों, ये मांगली नदी। ओके, ये मेज नदी, मांगली किस में आके गिर रही है, मेज में आके गिर रही है। और ये जो है घोड़ा पछाड़ है, ये किस में गिर रही है, मांगली में गिर रही। और किस स्थान पे गिर रही, इस स्थान का नाम है बूंदी के अंदर ही सांगवाड़ा, सांगवाड़ा नामक स्थान पर ये किस में आके गिर रही है, घोड़ा पछाड़ नदी, ये बूंदी में आके गिर रही। घोड़ा पछाड़ नदी बिजोलिया से निकलती है, कहां से निकल रही है, ये भी घोड़ा पछाड़ में कहां, बिजोलिया से निकल, बिजोलिया से निकलने के बाद ये बूंदी में आती है, भीलवाड़ा, यानी बिजोलिया का पठार भीलवाड़ा में, और वहां से निकलने के बाद ये बूंदी में आती है, और बूंदी में ये मांगली नदी में गिरती है। और जिस स्थान पर गिरती है उस स्थान का नाम है दोस्तों सांगवाड़ा। और ये मांगली नदी वापस किस में आके गिरती है, मेज में आके गिरती है। और ये बूंदी में गिरती है, जिस स्थान पर गिरती है उसका नाम है बाईस खेरा दोस्तों। बूंदी से एक नदी और आती है दोस्तों, और उसका नाम है दोस्तों कुराल। क्या नाम है, कुराल। ये दोस्तों कुराल जो नदी है बूंदी से ही निकलती है, और बूंदी के अंदर ही किस में गिर जाती है दोस्तों, ये चंबल में गिर जाती है। बूंदी से एक नदी और आती है जिसका नाम है दोस्तों चिकन। क्या है, चिकन नदी। चिकन नदी कहां से आती है, बूंदी से, और बूंदी के अंदर ही चंबल में गिर जाती है। कुराल भी कहां से आती है, बूंदी से, और बूंदी के अंदर ही ये जो स्थान है वो बूंदी है, और बूंदी के अंदर ही किस में गिर जाती है दोस्तों, इसी में गिर जाती है दोस्तों। अब देखना दोस्तों खमनौर की पहाड़ियों से आने वाली, खमनौर की पहाड़ियों से आने वाली नदी जिसका नाम है बनास, और एक है सी, ये इसमें आके गिर जाती है। किस में गिर जाती है दोस्तों,
चंबल के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, किस में गिर जाती है? चंबल में गिर जाती है। इसका नाम बनास और इसका नाम सीन, और ये जो है यमुना नदी। ओके, ये किस स्थान पर गिरती है दोस्तों? इसका नाम है पादरा गांव, या पादरा गांव जो है वह खंडार तहसील, खंडार तहसील और सवाई माधोपुर, माधोपुर ये स्थान जो है परशुनाथ का या परशुराम का, परशुराम की तपोस्थली, अपनी माँ की हत्या के बाद में यहाँ पर आके इन्होंने पश्चाताप की थी। और सवाई माधोपुर के मीनाओं का ये तीर्थ स्थल भी है, मीनाओं का तीर्थ स्थल भी। यहाँ के जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो इनकी जो अस्थि विसर्जन करते हैं वो इसी रामेश्वर नामक स्थान पर ही करते हैं दोस्तों। ये रामेश्वर है, क्या है दोस्तों? रामेश्वर, ध्यान रखना दोस्तों, रामेश्वर नामक स्थान पर है। इस प्रकार दोस्तों देखना, ऊपर से आने वाली जो नदियां थी वो हमारी ये थी जो इसमें गिरती है। एक बार पुनः बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो सबसे पहले आती है वो आती है बामनी। ये पूछा गया कि पश्चिम में सबसे पहले कौन सी नदी गिरी। देखना, राजस्थान में सबसे पहले जो नदी गिरेगी वो बामनी, बामनी के बाद जो गिरेगी ईज, ईज के बाद जो गिरेगी मेज, मेज इसकी बाकी मांगली और इसकी घोड़ा पछाड़ इसकी सहायक नदियाँ, फिर कुरार, फिर छिकन और फिर सवाई माधोपुर के अंदर आके जो गिरेगी इसकी दोस्तों, उसका नाम है अपने बनास। और ये संगम बनता, त्रिवेणी बनता, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी है जो सवाई माधोपुर में बनता। अब दोस्तों इधर से आने वाली जो नदियाँ हैं मैं उनको लेता हूँ। इधर से जो नदियाँ जो सबसे पहले चित्तौड़ के अंदर एक नदी इसमें जो गिरती है दोस्तों, मैं उसको ले लेता हूँ। इसका नाम है दोस्तों गुंजाली, गुंजाली। क्या नाम है दोस्तों? गुंजाली। और ये कहां से आती है? नीमच, नीमच के जाट गांव से, जाट गांव से आती और चित्तौड़ में प्रवेश करती है। और चित्तौड़ में ये किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है दोस्तों। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है। इसके बाद जो मिलती है कोटा के अंदर, वो कोटा के अंदर इसके मिलती है आगनिया दोस्तों, आगनिया नदी। कहां से? कोटा के अंदर आगनिया, कोटा में बहती। और ये कहां पर है? चित्तौड़ में। ये कहां पर गिरेगी? चित्तौड़ में गिरेगी दोस्तों, ये ध्यान रखना, चित्तौड़ में गिरेगी। अब दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है दोस्तों? काली सिंध। ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको समझा देता हूं आपको कि जो काली सिंध नदी है दोस्तों, ये कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या विशेषता है, क्या है इसके अंदर, बड़ी नदी बनेगी दोस्तों ये। देखना नंबर एक, कहाँ से निकल रही है ये? इसका जो उद्गम स्थल है देखना आप, एमपी से आ रही है। ये एमपी बताया था मैंने आपको, जनाब आपके बड़े एमपी, एमपी के किस जिले से आ रही है? जिला है देवास दोस्तों। देवास में किस स्थान कौन सा हो गया? तो बागली हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया दोस्तों? बागली हो गया। एमपी से निकलने के बाद ये झालावाड़ में प्रवेश करेगी, झालावाड़ में प्रवेश करेगी। कहां प्रवेश करेगी? झालावाड़ में, ठीक है। झालावाड़ में किस स्थान पर करेगी दोस्तों? एक तो इसका नाम है बिंदा, बारे गांव या बिंदा गांव, बारे गांव या बिंदा गांव में प्रवेश करती है। ओके दोस्तों, इसमें प्रवेश करने के बाद एमपी से आने वाली इसमें एक और छोटी नदी है जिसको कहते हैं अपन छोटी काली सिंध। ये काली सिंध नदी है दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। देखना इस तरफ झालावाड़ है, इस तरफ झालावाड़ है, इस तरफ कोटा है और इस तरफ बारा है दोस्तों। इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है, यहाँ एमपी से बागली से लगाकर कोटा में किस स्थान पर गिरेगी? ये नरेना, ठीक है दोस्तों, नरेना नामक स्थान पर गिरेगी। और इसकी जो कुल लंबाई है काली सिंध की, वह है 278 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी बहती है? 278। राजस्थान में जो ये बहती है दोस्तों, वह बहती है 145 किलोमीटर। ओके दोस्तों, कहाँ से निकल रही है? जिले देवास, बागली से, और राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ या बीदा गांव है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखना, ये झालावाड़ और कोटा के बीच में
सीमा बना दी। देखा था, इस तरफ कोटा रह गया, इस तरफ झालावाड़ रह गया, तो कोटा और झालावाड़ के बीच में सीमा बना दी और कोटा और बारा के बीच में सीमा बना दी दोस्तों। ओके दोस्तों, इसके बाद देखना आप एमपी से इसमें एक और नदी आती है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, एमपी से इसमें एक और नदी आती है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना, ये एमपी से, इसका नाम है दोस्तों आहो। क्या नाम है दोस्तों? आहो। और एमपी में किस जगह से निकल रही है? सुसनेर, सुसनेर। तो इसका आहो का उद्गम कौन सा हो गया? आहो का जो उद्गम हुआ वो कौन सा हुआ? सुसनेर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो राजस्थान में प्रवेश करती है, ये जो प्रवेश करती है दोस्तों, आहू जो प्रवेश करती है झालावाड़ के अंदर, और झालावाड़ में जो प्रवेश करती है, इस स्थान का जो नाम है वह है नंदपुर, नंदपुर में दोस्तों, ओके, नंदपुर में प्रवेश करती है। और यहाँ पर एक दोस्तों इसके संगम पर यहाँ पर एक दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? वह है दोस्तों गागड़ा, गागड़ा। जैसा मैंने एक चंबल पर यहाँ पर बताया था भैंसरोडगढ़, ठीक है, एक जल दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग, भैंसरोडगढ़ किसके संगम पर है? बामनी और चंबल। तो अब ये गागरौन दुर्ग किसके संपर्क में? ये भी जल दुर्ग या ओदक दुर्ग है, किसके संपर्क संगम पर है? तो ये दोस्तों आहू और काली सिंध के संपर्क में, इस जो नदी का नाम है वो काली सिंध है, ठीक है दोस्तों, काली सिंध। और यहाँ पर गागरौन दुर्ग, देखना गागरौन दुर्ग अपने आप में बहुत बड़ी प्रसिद्ध स्थल है, खींचीवाड़ा भी कहा जाता है इसको, ठीक है दोस्तों। तो इस गागरौन दुर्ग की यदि मैं विशेषता बताऊँ, इसके नंबर एक तो ये जल दुर्ग, जल दुर्ग किसके संगम पर है? आहो व काली सिंध के, काली सिंध के संगम पर है। दूसरा दोस्तों यहां पर मीठा सा की दरगाह है, मीठा सा की दरगाह है दोस्तों, ठीक है ना, दरगाह। ये मीठा सा कौन, क्या नाम था मैं बता दूं आपको, कि जो खुरासान अमीनुद्दीन खुरासान क्या थे, उनकी दरगाह तो मीठासान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमीदुद्दीन चिश्ती थे, वो नागौर में थे, नागौर के सुवाल ग्राम थे, ये हमीदुद्दीन चिश्ती थे और खुरासान के थे, और मीठासान की दरगाह दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये जो दुर्ग है ये बिना नींव के खड़ा, बिना नींव के खड़ा ये वाला गागरौन दुर्ग, इसके किसी भी प्रकार की कोई दुर्ग नहीं। दूसरा इसकी जो अगली विशेषता है दोस्तों, वो यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। फिर राजस्थान के छह दुर्ग है, जिसमें आमेर है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़ है, तो कुल छह दुर्ग है, उसमें ये भी है दोस्तों, जिसमें आपको ध्यान रखना। यहाँ पर देखना दोस्तों, संत पीपा की छतरी भी है, संत पीपा की छतरी भी है, ध्यान रखना। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि इसी गागरौन दुर्ग पर दो बार साका या जौहर भी हुआ, एक बार 1423 में जहां अचलदास और हुसैन शाह उर्फ अल्प खां के बीच में हुआ था, और 1444 में हुआ था वो पालन सिंह और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुआ। तो दो जौहर, दो साके, दो केसर के, अब यहाँ पर कुल मिला के दो यहाँ पर जो चीज हुई थी वह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह आप ध्यान रखना। तीसरी एक चीज इसमें और बता देता हूँ कि आहू में एक नदी आके मिलती है झालावाड़ से, जिसका नाम है दोस्तों पीपलाज, पीपलाज। ये झालावाड़ के सामोली गांव से निकलती है, सामोली या सामेली गांव से निकलती है, और ये झालावाड़ की परियोजना भी है, पीपलाज परियोजना, पीपलाज परियोजना। और कहाँ से देखना दोस्तों, अगर नदियों को आपने बहुत ढंग से समझ लिया तो एक तरीके से परियोजना भी साथ साथ में आपकी तैयार हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना। झालावाड़ से ही इसके अंदर एक नदी और गिरती है दोस्तों, जिसका नाम है ये दोस्तों, ये पीपलाज जो निकलती है वो पच पहाड़ से निकलती है, कहाँ से निकलती है? पच पहाड़ से निकलती है। और इसी काली सिंध में झालावाड़ में एक नदी और आके मिलती है, झालावाड़ में मैं बता देता हूँ, इस तरफ झालावाड़ में इसकी नदी, और उसका नाम है दोस्तों चंद्रभागा, चंद्रभागा दोस्तों। ये वाला क्षेत्र पूरा झालावाड़ है, ठीक है, चंद्रभागा नदी निकलती है, और ये कहाँ से निकलती है? सामेली से निकलती है। और यहाँ पर चंद्रभागा का बहुत बड़ा कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा मेला भी पड़ता है दोस्तों झालावाड़। तो ये थे दोस्तों
मतलब इसमें काली सिल्क के अंदर यहाँ से मिलने वाली नदियाँ देखना एक बार, बड़ी नदी कौन सी होगी, आहू जो सुसनेर से निकलती है, नंदपुर में इसमें आके प्रवेश करती है। तो ये इसकी बड़ी बड़ी विशेषता है जो झालावाड़। अब दोस्तों मैं इसके जो काली सिंध की जो सहायक नदी है मैं उस पर और आता हूँ। यहाँ पर एक इसके अंदर कोटा के अंदर देखना दोस्तों एमपी से आ रही है जिसका नाम है परवन। क्या नाम है दोस्तों? परवन। ये दो जलधाराओं के रूप में निकलती है एमपी से, ठीक है दोस्तों। एक जलधारा का नाम है अजना और एक का नाम है घोड़ा पछा। घोड़ा पछा इन दो नदियों से मिलकर कौन सी नदी बनती है? परवन। और ये जो परवन जो राजस्थान में जो प्रवेश करती है ये झालावाड़ में प्रवेश करती है, ये पूरा झालावाड़ तो खारी बोल झालावाड़ में इसका प्रवेश होता है। झालावाड़ में इसका जो प्रवेश होता वह खारी बोर के अंदर, ओके दोस्तों, खारी बोर के अंदर इसके प्रवेश होता है दोस्तों। इसके किनारे पर यहाँ पर एक बता देता हूँ मैं आपको, सीरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सीरगढ़ दुर्ग है और जिसे कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता। शेरशाह ने काफ़ी समय तक अपना धन कोष वगैरह भी यहाँ पर रखा था। झाला जालम सिंह जिस समय झालावाड़ का शासक था उस समय अमीर खां पिंडारी ने अपनी पत्नियों को सुरक्षा की दृष्टि से यहीं पर रखा था, क्योंकि झाला जालम सिंह को वो अपना पगड़ी बदल भाई भी कहता था। और ये जो ये अभ्यारण्य भी है और शेर सांपों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध भी है। तो ये किस ये शेरगढ़ जो दुर्ग है ये किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? परवन नदी के किनारे। कोषवर्धन भी कहा जाता है, शेरशाह सूरी अपना कोष यहीं पर रखता और ये अभ्यारण्य भी है और जो सांपों की शरण स्थली के रूप में ये प्रसिद्ध है दोस्तों। ये जहाँ पर कोटा में आके गिरती है, किसमें गिरती है? ये कोटा है और कोटा के रामगढ़ में, कोटा के रामगढ़ में आके ये किससे मिलती है? ये काली सिंध में मिल जाती है दोस्तों। कौन सी नदी है ये? काली सिंध, ठीक है दोस्तों। ये काली सिंध में आकर मिल जाती है दोस्तों। इस परवन की दोस्तों एक सहायक नदी और है नेवच। ये भी एमपी से आती है। कहाँ से आती है दोस्तों? नेवच। नेवच या निवाज भी कहा जाता है। ये रतनगढ़ एमपी से आती है। कहाँ से आती है? विंध्याचल पर्वत के, विंध्याचल पर्वत कहाँ से? विंध्याचल पर्वत के रतनगढ़ से, रतनगढ़ और भानपुरा की पहाड़ियों से, भानपुरा की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये इसमें आके गिरती। और इसका जो राजस्थान में प्रवेश होता है दोस्तों, इस जो नेवच का जो प्रवेश होता है वो भी झालावाड़ में ही होता है। और इस झालावाड़ में जो इसका प्रवेश कहाँ होता है? झालावाड़। प्रवेश कहाँ हो रहा? झालावाड़। और झालावाड़ में कहाँ हो सकता? कोलुखेड़ी में, कोलुखेड़ी में। और इस जो झालावाड़ में प्रवेश के बाद में इसमें कुछ नदियाँ एमपी से आने वाली और मिलती है जिसका नाम होता है धार और चापी। धार और चापी दोस्तों, धार और चापी ये भी एमपी से आती है और नेवज में मिलती है। और नेवज किस में मिलती है दोस्तों? ये नेवज जो मिलती है ये परवन में मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो परवन नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों? परवन नदी है, परवन नदी, ओके दोस्तों। परवन कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। दो जलधारा अजना और घोड़ा पछाड़ के रूप में, और झालावाड़ में प्रवेश करती है खारी बोर से, और इसके बाद इसके पर शेरगढ़ दुर्ग भी है और फिर ये रामगढ़ में गिर जाती है। इस जगह पर इसमें एक और नदी मिलती है दोस्तों जिसका नाम होता है काली खोड़। काली खोड़, ओके। इस काली खोड़ नदी के अंदर, काली खोड़ नदी और परवन नदी के संगम पर एक दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर नहीं बना के थोड़ा यहाँ पर, ये किसके किनारे पर? नेवज के कम नहीं है, मनोर थाना। और ये जहाँ मतलब कालीखोड़ और कालीखोड़ जिस जगह पर परवन में गिरती है उस उसके संगम पर यहाँ पर एक जल दुर्ग है जिसका नाम है मनोर थाना, मनोहर थाना। अब देखना दोस्तों इसके किनारे पर कितने जल दुर्ग हो गए? मनोर थाना ये भी जल दुर्ग है, शेरगढ़ ये भी जल दुर्ग है, गागरौन ये भी जल दुर्ग है, और भैंसरोड़गढ़ ये भी जल दुर्ग। तो चार जो बड़े जल दुर्ग हैं दोस्तों ये चंबल और एमपी से आने वाली काली सिंध का और इसके सहायक नदियों के किनारे पर दोस्तों, ओके। अब दोस्तों यहां पर देखना,
कोटा के अंदर, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक एमपी से एक नदी आती है जिसका नाम है पार्वती। क्या नाम है दोस्तों? पार्वती। और कहाँ से आती है एमपी में? सीहोर से आती है। कहाँ से आती है एमपी में? सीहोर से आती है। और राजस्थान में जो प्रवेश करती है ये बारा में करती है। तो इधर कौन सा जिला बताया था मैंने आपको? बारा ही बताया था इधर। और बारा में जहां पर ये प्रवेश करती है, बारा के अंदर, इस स्थान का नाम है करियाहाट। करियाहाट नाम है। और ये देखना दोस्तों, बारा के इस तरफ, ये बारा में प्रवेश करने के बाद कोटा के अंदर जाके गिरती है, ये घूम के गिरती है, और उसका नाम है पाली या पलिया। कहां पर गिरती है दोस्तों? कोटा के अंदर पाली या पलिया में गिरती है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश के साथ, देखना, चंबल नदी, चंबल नदी यहाँ पर 241 किलोमीटर सीमा बनाती है। किसके किसके साथ? इधर से एमपी, इधर से राजस्थान, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। लेकिन जो पार्वती नदी इधर वापस एमपी आ जाता तो ये भी 58 किलोमीटर की एमपी के साथ, बारा और एमपी के साथ, एमपी की दूसरी नदी जो राजस्थान और एमपी के साथ सीमा बनाती है दोस्तों, 58 किलोमीटर तक सीमा बनाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी जो अंतिम नदी है इधर से जो निकलेगी, ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक नदी और जो सर्पिला आकार में बहती है, किस आकार में बहती है? सर्पिला आकार, इसका नाम है कोनू। ये दोस्तों गुना एमपी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गुना एमपी से निकलती है। और एमपी में निकल के बाद करौली में जाकर ये किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है दोस्तों। बस इतना सा ध्यान रखना। ये अच्छा, इस नदी की खासियत है, ये मसूरी बारा से प्रवेश कहाँ करती है? प्रवेश जो करती है वह बारा में। बारा के किस स्थान पर? मुसेरी नामक स्थान से प्रवेश करती है। इसके बाद करौली के सामने जाकर ये चंबल नदी में गिर जाती है। दोस्तों ये दो बार एमपी में प्रवेश करती है, दो बार एमपी में प्रवेश करती है, और दो बारी राजस्थान में प्रवेश करती है। ये इसकी खास विशेषता, सर्पिला आकार में चलती है, गुना एमपी से निकलती है, फिर चंबल नदी में गिर जाती है। तो दोस्तों ये इसकी बड़ी बड़ी, ये इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इस पर आप ध्यान रखना, विशेषकर काली सील पर ध्यान रखना। कहाँ से निकलती है? बागली, देवास के बागली से निकलती है। बागली से निकल के बाद ये बारा, ये खारीबोर झालावाड़ में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद इस पर ध्यान रखना आप, काली सिंध है, एक काली सिंध नदी है वो इसमें प्रवेश करती है। इसके बाद पीपलाज है जो आओ की सहायक है, और ये कोटा और झालावाड़ के बीच में सीमा बनाती है। इधर झालावाड़ है, इधर कोटा है, फिर ये कोटा और बारा के बीच में भी सीमा बनाती है। फिर परवन नदी है, ये अजनार और घोड़ा पछाड़ से निकलने, इसके बाद नेवज इसमें गिरती है, जो विंध्याचल के रतनगढ़ से निकलने के बाद ये झालावाड़ में आकर किस में मिल जाती है? ये परवन में मिल जाती है। फिर एक काली खौड़ आती है, ये झालावाड़ से ही आती है, और इसके किनारे पर मनोहर थाना दुर्ग, और ये कालीखौड़ भी परवन में गिरती है। परवन के किनारे शेरगढ़ दुर्ग है दोस्तों, जो सांपों की शरण स्थली भी है, को शेरशाह का कोष वर्धन था। और ये कोटा के अंदर रामगढ़ में आकर यहाँ पर मिल जाती है। फिर पार्वती नदी है जो सीहोर एमपी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सीहोर के एमपी से निकलती है, और बारा में करियाहाट नाम के स्थान पर बारा में प्रवेश करती है, और एमपी के साथ सीमा बनाती है 58 किलोमीटर। पाली या पलिया, कोटा, पाली पलिया कहाँ पर दोस्तों? ये कोटा में जाकर कहाँ मिल जाती है दोस्तों? चंबल में मिल जाती है। तो ये इसके महत्वपूर्ण एक दोस्तों, मैं अब इस पर जो बनने वाले जो डैम थे मैं इन पर वापस आ जाता हूँ। देखना इसके ऊपर ध्यान रखना, मंदसौर के एमपी से आती है तब यहाँ पर मैं प्रवेश कर लेना। यहाँ पर गांधी सागर बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? गांधी सागर बांध है उद्गम की ओर से। फिर चित्तौड़ के अंदर यहाँ पर इस पर कौन सा दुर्ग है? दुर्ग क्या सॉरी बांध है वह है रावतभाटा। फिर है दोस्तों यहाँ पर कोटा के अंदर इस पर है जवाहर सागर, और यहाँ पर कोटा के अंदर भी इस पर कौन सा है? कोटा डैम जिसको हम कहते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो डैम है दोस्तों ये कौन सा है? गांधी सागर, गांधी सागर। और ये कौन सा है? राणा प्रताप सागर। ये राजस्थान का भराव दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, और 100 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों ये चार बांध बने। ये कौन सा है? जवाहर सागर। ये कोटा और बूंदी की सीमा पर बोरावास में बना हुआ। कहाँ पर बना हुआ दोस्तों? बोरावास में बना हुआ।
और ये चंबल नदी का पिकअप बांध है। ये देखना दोस्तों, यहाँ पर भी विद्युत का उत्पादन होता, यहाँ पर भी विद्युत का उत्पादन होता, यहाँ पर 115 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता, यहाँ पर 172 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता, 172 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता, यहाँ पर 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता, और यहाँ पर जो होता है कोटा के अंदर वह 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन। और ये जो कोटा जो डैम है, कोटा डैम, ये कोटा शहर के बना हुआ, ये केवल सिंचाई के काम आता है। देखना दोस्तों, अब इसको क्रम से उद्गम से अगर आपको गंतव्य की ओर पहुंचे तो सबसे पहला बांध कौन सा आ गया दोस्तों, गांधी सागर, ये मंदसौर जिले में रामपुरा और भानपुरा क्षेत्र में। फिर दूसरा बांध कौन सा है इस नदी पर, वो राणा प्रताप सागर, भराव दृष्टि से सबसे बड़ा। तीसरा डैम कौन सा है, जवान सागर से, ये कोटा और इसकी सीमा पर बना हुआ पिकअप बांध है, इस पानी को प्रेशर करने के लिए बना हुआ, ध्यान रखना इस पर एकमात्र पिकअप बांध है वो है जवाहर सागर। और ये चारों के चारों जो डैम है दोस्तों वह 100 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ, और इन्हीं पर परियोजना भी है, चंबल परियोजना और राजस्थान और MP की है, और जो 50-50% दोनों की भागीदारी है, इस पर 8 लिफ्ट परियोजना भी है। तो इस प्रकार ध्यान रखना। अगर दोस्तों आप पूछे कि कौन कौन से, तो देखना पहले चरण में सबसे पहले देखना दोस्तों, जो राणा प्रताप, जो गांधी सागर, जो मंदसौर का, ये पहले चरण में बना, पहला है, पहला चरण में राणा प्रताप सागर है, ये दूसरे चरण में जवाहर सागर है, वो तीसरे चरण में। देखना पहला चरण, पहला पहला चरण में, दूसरा दूसरा चरण में, तीसरा तीसरा चरण में, और जो कोटा वाला जो अंतिम डैम है दोस्तों, ये दोस्तों इस गांधी सागर के साथ पहला, देखना पहला और लास्ट पहले पहले चरण में बने थे, दूसरा दूसरे चरण में, तीसरा तीसरे चरण में। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इसकी सहायक नदियाँ, ये डैम। एक दोस्तों धौलपुर के अंदर इस पर एक जो है प्रपात बना हुआ है, धौलपुर के अंदर गिरने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ बस बता देता हूँ मैं, थोड़ा यमुना से हटा कर के यहाँ पर धौलपुर के अंदर इस पर एक दमोह जल प्रपात है, और चंबल नदी पर ही है, ध्यान रखना। एक इस पर चूलिया प्रपात है, वो ये पर, इस पर देखना दो प्रपात बनते हैं राजस्थान के अंदर, एक चूलिया प्रपात और एक दमोह प्रपात, जो धौलपुर में बनता है। कहाँ पर बनता दोस्तों, धौलपुर में बनता, दमोह प्रपात चंबल नदी पर, और एक बनता चूलिया प्रपात। अगर MP की बात करें दोस्तों, तो मैंने यहाँ बताया था मघार जल प्रपात, तो ये MP में बना, अगर आप इतना ध्यान नहीं रखें तो राजस्थान के दोनों के दोनों जरूर ध्यान रखना दोस्तों। अगर इस प्रकार आपने पढ़ा है, इस प्रकार की तैयारी है आपके, तो चंबल और चंबल के सहायक में किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।